हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए एक नई वीडियो जहां हम बात करेंगे कुछ सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज के बारे में। ये मूवीज आम जिंदगी से अलग है और व्यूवर्स को एक नया नजरिया दिखाते हैं। इन मूवीज में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे इमेजिनेशन को चुनौती देते हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, और नोटिफिकेशन बेल को भी बजाना मत भूलना ताकि आप हमारे ऐसे मजेदार वीडियो मिस ना करें। हमारी नंबर 5 की मूवी है द प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म एक स्पेनिश फिल्म है जो नेटफ्लिक्स पर भी अवेलेबल है। ये एक डायस्टोपियन थ्रिलर मूवी है, मतलब कि एक ऐसा फ्रिक्शनल वर्ल्ड जहां सोसाइटी के रूल्स अलग होते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक यूनिक जेल में जिसे द होल कहते हैं। ये जेल एक टावर जैसा है जिसमें हर फ्लोर पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिस पर खाना रखा जाता है। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कुछ लोग रहते हैं, उनके पास पूरा खाना होता है। लेकिन जैसे जैसे फ्लोर नीचे आते हैं खाने की क्वांटिटी कम होती जाती है। मूवी में हम एक बंदे जॉर्डन को फॉलो करते हैं जो वॉलंटरी जेल में इंटर करता है। उसका मिशन है कुछ दिनों के लिए रहना और फिर बाहर निकलना। खाना खत्म होने से पहले सबसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ बचा लेते हैं, लेकिन नीचे वाले फ्लोर पर रहने वालों के लिए खाना काफी कम होता है। फिल्म के जरिए हमें समझ आता है कि सोसाइटी में वेल्थ और रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि लोगों का बिहेवियर कैसे चेंज होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। इसमें हर लेवल पर एक डिफरेंट स्टोरी है जो डीपर मैसेज के साथ आता है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 7.1 out of 10 है। ओवरऑल द प्लेटफॉर्म एक इंटेंस और पावरफुल मूवी है जो सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हमारी नंबर 4 की मूवी है व्हाट हैपेंड टू मंडे। इस मूवी की कहानी फ्यूचर की है जहां पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हर फैमिली को सिर्फ एक ही बच्चा रखने का रूल है। एक फैमिली में 7 बेटियां होती हैं और हर एक का नाम एक दिन पर रखा गया है, जैसे मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। पर एक दिन मंडे गुम हो जाती है और बाकी सिस्टर को उसका पता नहीं चलता। इस कहानी में एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल मूवमेंट भी है। जब मंडे गुम हो जाती है तब उन सिस्टर को एक दूसरे के रूप में रहना पड़ता है और उन्हें एक साथ काम करना पड़ता है। कुछ वक्त बाद पता चलता है कि उनकी फैमिली के साथ गलत हुआ है और उन्हें अपनी फैमिली को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। इस मूवी में हर सिस्टर का अलग अलग पर्सनालिटी होता है जिसे देखने वाला कंफ्यूज हो सकता है कि कौन किसका रोल प्ले कर रहा है। इस मूवी में टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर करता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स इमोशनल और हार्ट टचिंग है जो देखने वालों को रुला भी सकता है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.8 out of 10 है। ओवरऑल व्हाट हैपेंड टू मंडे थ्रिलर और इमोशनल मूवी है जो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली की अहमियत पर फोकस करता है। अब हमारी नंबर 3 की मूवी है अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मूवी जिसमें एक अलग प्रकार की दुनिया है। इमेजिन करो कि दो अलग अलग जगह है, एक नीचे और एक ऊपर। दोनों में अलग लोग हैं, अलग रूल्स हैं और सब कुछ उल्टा पुल्टा है। पहली दुनिया है डाउन वर्ल्ड जहां लोग उल्टे पड़े होते हैं और सब कुछ उल्टा होता है, और दूसरी दुनिया है अप वर्ल्ड जहां सब नॉर्मल है लेकिन सब कुछ ऊपर नीचे है डाउनवर्ड के मुकाबले में। मूवी की स्टोरी एक लड़के और लड़की के बीच में है जो दोनों दुनिया से बिलोंग करते हैं। लड़का डाउनवर्ड का है और लड़की अपवर्ड की है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन उनके बीच में दुनिया के बीच की बाउंड्री होती है। जब दोनों बड़े होते हैं उनका प्यार उनके दुनिया के रूल्स के खिलाफ होता है। फिर शुरू होती है उनकी कहानी जो एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन दुनिया के बीच की रुकावट उनके रास्ते में आती है। मूवी में रोमांस, एडवेंचर, फैंटेसी एलिमेंट्स हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे ग्रेविटी ने हमें नीचे खींच रखा है वैसे इन दोनों के लिए ग्रेविटी उल्टा चलता है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.3 out of 10 है। ओवरऑल अपसाइड डाउन एक मैजिकल लव स्टोरी है जो दुनिया के बीच की सीमाओं को पार करने की कहानी है। अब हमारी नंबर 2 की मूवी है डाउनसाइजिंग। इस मूवी में फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है जहां साइंटिस्ट एक तरीका ढूंढते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। इस कॉन्सेप्ट में लोगों को छोटा होने की टेक्नोलॉजी से छोटा कर दिया जाता है जिससे उनका खर्चा कम हो जाता है और अर्थ को बचाने में मदद मिलती है। मूवी की शुरुआत में हम एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी को देखते हैं जो कि फाइनेंशियली टाइट है। फिर उसका फैसला परिवार के साथ डाउन साइज होने का होता है। जब वो छोटे साइज में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी जिंदगी में कई नए चैलेंज और एडवेंचर आते हैं। इस मूवी में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि छोटे होने से उनकी दुनिया भी छोटी हो जाती है जहां उनको अलग तरह के लोगों से मिलने को मिलता है। इस प्रोसेस में कई लोग खुश होते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी आसानी से गुजर जाती है, लेकिन कुछ लोगों को ये चेंज एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। डाउन साइजिंग एक सोशल मैसेज भी देती है पॉपुलेशन कंट्रोल और एनवायरमेंट कन्वर्सेशन के लिए। इस मूवी में कॉमेडी, ड्रामा, साइंस फिक्शन एलिमेंट है जो इसे देखने लायक बनाता है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है। ओवरऑल ये एक इंटरटेनिंग और सोचने को मजबूर करने वाली मूवी है जो कि फ्यूचर की पॉसिबिलिटी पर भी रोशनी डालती है। हमारी नंबर 1 की मूवी है द एडजस्टमेंट ब्यूरो। द एडजस्टमेंट ब्यूरो मूवी एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो फेट या किस्मत को कंट्रोल करते हैं और लोगों की जिंदगी में एडजस्टमेंट करते हैं ताकि सब कुछ उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चले। मूवी की कहानी एक पॉलिटिशियन डेविड के इर्द गिर्द घूमती है। डेविड एक दिन एक लड़की एलिस के साथ मिलता है जिसे वो प्यार करता है, लेकिन फिर
एडजस्टमेंट ब्यूरो के मेंबर्स उनके बीच में आने लगते हैं। ये मेंबर्स डेविड को समझाते हैं कि वो एलिस के साथ नहीं रह सकते क्योंकि वो उनके डेस्टिनी नहीं है। इस मूवी में सस्पेंस और रोमांस दोनों है। डेविड को अपने प्यार के लिए लड़ते हुए देखते हैं जब वो एडजस्टमेंट ब्यूरो से भागता है। उनकी और एलिस की जर्नी को देखकर व्यूअर्स को सोचना पड़ता है कि क्या हमारे डिसीजन सच में हमारे होते हैं या कोई और ताकत हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है। इस मूवी का IMDb रेटिंग 7.2 आउट ऑफ 10 है। द एडजस्टमेंट ब्यूरो कमाल की मूवी है जो फ्री विल, डेस्टिनी और लव के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 5 यूनिक कॉन्सेप्ट मूवीज। इन मूवीज को देखकर आपको नया नजरिया मिलेगा और आपके दिमाग में नए सवाल खड़े होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।